नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव, रिसर्च स्कॉलर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। आज मैं आपको गेहूँ की सिंचाई के अवस्था के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, हमारे गेहूँ में सिंचाई एक बहुत ही ज़रूरी ऑपरेशन है फॉर इंक्रीज इस यील्ड। तो मैं बता दूं आपको, गेहूं में सबसे पहली सिंचाई जो होती है वो CRA स्टेज पे की जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉप रूट इनिशिएशन स्टेज, जो कि गेहूं के बुवाई के लगभग 20-25 दिन के बाद में आती है। और जो दूसरी जो सिंचाई होती है वो की जाती है टफ स्टेज पे। देखिए, इसमें ऐसा है, अगर हम केवल एक ही इरीगेशन देंगे तो हम CRA स्टेज पे देंगे, और यदि हम दो इरीगेशन देंगे तो पहली तो CRI पे रहेगी, जो कि मोस्ट कंपलसरी स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट में है, और जो दूसरी जो होगी वो तो डप स्टेज पे दी जाएगी। अगर हम तीन सिंचाई हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम पहली सिंचाई जो है वो CRI स्टेज पे देंगे, दूसरी जो हम हेडिंग स्टेज पे देंगे, और तीसरी जो है वो हम टफ स्टेज पे देंगे। हीडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, हीडिंग स्टेज जो है वो बूटिंग के जस्ट बाद में और प्लॉगिंग के जस्ट पहले की स्टेज होती है, हीडिंग स्टेज कहते हैं, जिसमें बाल निकल के आना शुरू होती है। और अगर हमारे पास चार सिंचाइयाँ हैं तब हम पहली सिंचाई को CRI स्टेज पे ही करेंगे, दूसरी सिंचाई हम करेंगे टेलरिंग स्टेज पे, जो कि बुवाई के लगभग 40-45 दिन बाद होती है, तीसरी सिंचाई जो हम करेंगे लेट जॉइंटिंग पे, जो कि 60-65 दिन के बाद होती है, और चौथी सिंचाई हम करेंगे फ्लॉगिंग स्टेज पे। और यदि पांच सिंचाई अवेलेबल हैं हमारे पास में तो हम पहली सिंचाई CRI स्टेज पे करेंगे, दूसरी सिंचाई ट्रिलरिंग पे करेंगे, तीसरी लेट जॉइंटिंग पे करेंगे, चौथी फ्लॉवरिंग पे करेंगे, पाँचवीं मिल्किंग पे करेंगे। और अगर छः सिंचाई हैं हमारे पास में तो पहली सिंचाई हम CRI स्टेज पे ही करेंगे, और दूसरी सिंचाई जो लेट टेलरिंग पे करेंगे, तीसरी सिंचाई लेट जॉइंटिंग पे करेंगे, चौथी सिंचाई जो फ्लॉवरिंग पे करेंगे, पांचवी मिल्पिंग पे करेंगे, और छठी बुड्डा पे स्टेज पे करेंगे। तो ये तो था हमारे सिंचाई के बारे में थोड़ा सा। और साथ ही साथ मैं आपको और बता दूँ कि हमारे देश भारत में जो गेहूँ के जो रीजन्स हैं वो 6 रीजन्स में बांटा गया है। गेहूँ उगाने के आधार पे इंडिया को 6 रीजन्स के आधार पर बांटा गया है। जो पहला रीजन है वो है नॉर्दर्न हिल्स जोन। इस जोन में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड का तराई बेल्ट छोड़कर ये राज्य इसमें आते हैं। और जो दूसरा जोन है वो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है। इस जोन में दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, ये स्टेट इसमें आते हैं। और जो तीसरा जोन है वो नॉर्दर्न ईस्ट प्लेन जोन। इस जोन में बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये स्टेट इसमें आते हैं। और जो चौथा जोन जो है हमारा वो है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में हमारा जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र कुछ है, कुछ बुंदेलखंड का, कुछ बुंदेलखंड का, ये एरिया इसमें आता है। और जो हमारा पांचवा है वो है पेनिसुलर जोन है, जिस जोन में जो अपतटीय राज्य हैं जैसे कि गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये राज्य आते हैं किनारे के इलाके, समुद्र के किनारे वाले। और जो छठा जोन है जिसको हम साउदर्न हिल जोन के नाम से जानते हैं, इस जोन में जैसे कि नीलगिरी हिल्स जो हैं वो आती हैं, जैसे कि जो कि जंक्शन पॉइंट हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के, और पलानी की पहाड़ी हैं, कार्डामोम की पहाड़ी हैं, ये जोन इसमें आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।